ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। मंत्री बामनिया और आयुक्त भट्ट पर मिलीभगत कर करोड़ों के भ्रष्टाचार करने का आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता फिर बैठा धरने पर। नाकाबंदी के दौरान वाहन चालक ने पुलिस के जवान को कुचला, जवान की मौत, वाहन छोड़कर चालक मौके से हुआ फरार। और बारिश ने फिर खोली निगम के कामकाज की पोल, नाले पर बनी सीसी रोड धसी, दो कारें क्षतिग्रस्त। उदयपुर में सामाजिक कार्यकर्ता यूनुस चौबदार टीएडी कार्यालय के बाहर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करते हुए अनशन पर बैठ गए। टीएडी आयुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए यूनुस चौबदार का कहना है कि उन्होंने पिछले 14 महीने में कई घोटालों का खुलासा किया है। सभी मामलों में टीएडी में जांच भी चल रही है, लेकिन आज तक एक भी जांच पूरी नहीं हुई है। चौबदार ने मंत्री बामनिया और पूर्व आयुक्त राजेंद्र भट्ट की मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन मिलने के चलते 7 दिन पहले अपना धरना खत्म कर दिया था, लेकिन पिछले 7 दिन से भी ज़्यादा समय बीतने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब टीएडी कार्यालय की ओर से उन्हें कोई आश्वासन या कोई संकेत नहीं मिला, तो एक बार फिर उन्होंने टीएडीए कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उदयपुर के टीएडीए कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए सामाजिक कार्यकर्ता यूनुस चौबदार का कहना है कि 6 जून 2022 से लेकर लगातार 8 दिनांक तक जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार किया गया है। इन तमाम मामलों में उनके द्वारा सबूतों के साथ खुलासा किया गया है, लेकिन विभाग के मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता और तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र भट्ट की इन सभी मामलों में मिलीभगत होने का आरोप लगाते हुए उनका कहना है कि इनकी मिलीभगत के चलते आज तक इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 25 अप्रैल 2023 से आमरण अनशन की घोषणा की गई थी। आमरण अनशन की घोषणा के पश्चात मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देशों का हवाला देते हुए तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा द्वारा उनसे संपर्क किया गया, उनसे बातचीत की गई और तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र भट्ट, तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के साथ तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त निदेशक स्वच्छ परियोजना अंजलि राजौरिया की उपस्थिति में यह तय किया गया था कि समस्त मामलों की जांच जिला कलेक्टर कार्यालय से करवाकर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि मुझे फिर से अनशन पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि अब तक इस मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ही उन्हें कोई संतोषप्रद जवाब दिया जा रहा है। उनका कहना है कि 25 अगस्त 2023 से जनजाति आयुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था। धरने के 5वें दिन जनजाति आयुक्त ताराचंद मीणा ने धरना स्थल पर आकर उनसे बातचीत की और कहा कि हमें 7 दिन का समय चाहिए, 7 दिन में जांच करके पूरी कार्रवाई कर दी जाएगी और इसके बाद संभागीय आयुक्त के कक्ष में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, टीएडी आयुक्त ताराचंद मीणा ने आपस में मंत्रणा की और अपना प्रतिनिधि भेजकर यह विश्वास दिलाया कि 7 दिवस में जांच करवाई जाएगी और कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया था, लेकिन पूरे 7 दिन से भी ज्यादा का समय बीतने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिले, तो आखिर उन्हें 29 सितंबर को जो धरना स्थगित किया था उसे एक बार फिर से धरना लगाना पड़ा और आज धरने के दूसरे दिन उन्होंने सभी आरोपों को दोहराते हुए इन भ्रष्टाचार के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग टीएडी के अंदर मैंने पिछले 14 महीने में 6-7 बड़े घोटालों का खुलासा किया
जिनमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया और टीएडी के तत्कालीन कमिश्नर राजेंद्र भट्ट के इशारे पर किया गया और इनको बराबर हिस्सा दिया गया। और इन तमाम मामलों में लगातार 14 महीने से किसी मामले में 14 महीने से जांच चल रही है, किसी मामले में 10 महीने से जांच चल रही है, वो जांच आज तक चल ही रही है। उन जांच का आज तक नतीजा सामने नहीं आया। सीधा सीधा मकसद इन अधिकारियों का ये है कि जिन अधिकारियों ने यहाँ भ्रष्टाचार करके माल कमाया, जिस मंत्री ने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया, अब वो लोग उन कर्मचारियों को बचाने का कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने उनके इशारे पर भ्रष्टाचार किया था। पिछली 25 तारीख को मैं इसी अगस्त की 25 तारीख को मैं धरने पर बैठा था। 5 दिन मैंने धरने दिया। धरने के 5वें दिन टीएडी कमिश्नर ताराचंद मीणा जी मेरे पास आए और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि मेरी बात का विश्वास कीजिए और 7 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं 7 दिन में जाँच करके सारी रिपोर्ट तैयार करके कार्रवाई करूँगा। लेकिन मैं 10 दिन बाद जब यहाँ आया, मैं लगातार उनसे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ, मैंने उनको मैसेज किए, फ़ोन किए, कार्यालय में गया, वो कार्यालय में बैठे थे उस वक्त, लेकिन निकृष्टता देखिए कि वो मिलने तक को भी तैयार नहीं है। और जब उनकी ये मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया कि वो भी मंत्री और राजेंद्र भट्ट जी के दबाव में आ गए हैं। इसलिए मुझे आखिरी जो चांस है वो ये लगा कि मैं अब अपनी बात को अनशन के जरिए सरकार तक पहुँचाऊँ। ये आमरण अनशन है, जब तक सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है, जब तक सरकार मंत्री अर्जुन बामणिया, संभागीय आयुक्त जो वर्तमान में है, और पूर्व टीएडी कमिश्नर राजेंद्र भट्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, जब तक इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मैं यहाँ आमरण अनशन पर बैठा रहूंगा। We are Central Academy. We are in 4 states in 30 cities with 68 schools and with 1,50,000 students. We are committed to imparting quality education, instilling patriotism and sanskaras in centimians. Visit Central Academy Group of Schools, Udaipur. Udaipur ke ek police jawan ke saath dardnak hadsa pesh aaya hai. Nakabandi ke dauran wahanon ko check kar rahe jawan ko ek आयशर वाहन के कुचल जाने के चलते मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है टीडी थाने में तैनात राजू मीणा नाम के इस जवान द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी और वहां से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान अहमदाबाद से उदयपुर आ रहे एक वाहन को इस जवान द्वारा रुकवाने का प्रयास किया गया तो आयशर वाहन के चालक ने वाहन रोकने की बजाय तेज गति से वाहन को भगाने की कोशिश की। इसके चलते हादसे में कुचल जाने के चलते टीडी थाने के जवान राजू मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की ये तस्वीरें टीडी थाना क्षेत्र की हैं। बताया जा रहा है टीडी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की जा रही थी, नाकाबंदी के दौरान वहां से गुजर रहे वाहनों पर नजर रखी जा रही थी और संदिग्ध लगने वाले वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग भी की जा रही थी। इसी दौरान अहमदाबाद से उदयपुर आ रहे एक आयशर वाहन को इस जवान द्वारा रुकवाने का प्रयास किया गया तो वाहन चालक ने वाहन को रोकने की बजाय उसे तेज गति से भगाने की कोशिश की। इस दौरान जवान राजू मीणा को कुचल दिया जिसके चलते मौके पर इस पुलिस जवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है इस हादसे के बाद वाहन चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर दिया है। मृतक पुलिस के जवान का शव मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। आरोपी वाहन चालक की गंभीरता से तलाश की जा रही है। प्रदेश भर के साथ साथ उदयपुर संभाग और उदयपुर जिले में भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। पिछले 2 दिनों से चल रहा बारिश का ये दौर उदयपुर के तमाम नदी नालों और झीलों को छलका चुका है। वहीं पर सीसी और धंसी हुई सड़कें नगर निगम और जो संबंधित विभाग हैं उनके कामकाज की पोल खोलने का काम भी कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि जहां रिमझिम बारिश के दौर के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है, किसानों को भी कहीं ना कहीं जो फसल का खराबा होने से का डर था उसमें
थोड़ी सी राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं इस बारिश ने उन घटिया कामों की पोल खोलने का भी काम किया है जहां भ्रष्टाचार के चलते पूरे नियम कायदे फॉलो नहीं किया जाते हैं, जहां जिस तरह से टेंडर्स पास होते हैं उन टेंडर के मुताबिक काम नहीं किया जाता है और अंततः वो काम धराशायी होते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं। पोल खुलती है भ्रष्टाचारियों की लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। देखना यह होगा कि भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम जो इस बारिश ने इस बार किया है, क्या उस पोल खोलने के बाद उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसे सजा मिलती है, उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है। पिछले दो दिन से चल रही उदयपुर में रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके चलते उदयपुर में नदी नाले फिर से उफान पर दिखाई दे रहे हैं, वहीं तालाबों में जल स्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है घासा तालाब पर चादर चल गई है और शहर में सोमवार शाम को जो बारिश का दौर थमा था वो रात 11 बजे एक बार फिर से शुरू हुआ और इसके चलते शहर में कई जगह लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और कई जगह सड़क धंसने जैसे गंभीर मामले भी दिखाई दिए। स्वरूप सागर पर चादर चल रही है, वहीं मानसी वाकल बांध के गेट भी खोलने पड़े हैं। उदयपुर शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से हो रही रिमझिम बारिश का दौर और रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते झीलों और तालाबों और नालों आदि का छलकने का सिलसिला जारी है। उदयपुर में आज पूरे दिन सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए और आसमान में बादल छाए रहे। सिंचाई विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में सलूम्बर के केजड़ में और उदयपुर के कोटड़ा में 2-2 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं अब तक की सर्वाधिक बारिश 1055 मिलीमीटर दर्ज की गई है जो गोगुंदा में दर्ज हुई है। इधर मौसम विभाग ने आज उदयपुर जिले में फिर से बारिश की चेतावनी दी है। अशोकनगर में बारिश के चलते एक स्थान पर सीसी रोड धंस गई और इसके चलते 2 कारें नाले में उतर गई। बताया जा रहा है अशोकनगर क्षेत्र में इस हादसे की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए लोगों ने शिकायत की कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का नतीजा है कि इस तरह के घटिया निर्माण लगातार हो रहे हैं और उनकी पोल खुलने के बावजूद न तो उन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती है और न ही उनकी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है। अशोकनगर की मुख्य सड़क के किनारे बने हुए नाले के ऊपर ये जो सड़क बनाई थी, सीसी रोड बनाई गई थी, वो पूरी तरह धस गई और इस पर खड़ी हुई 2 कारें भी नाले में उतर गई। घटना सवेरे की बताई जा रही है। इस घटना के दौरान वहां आवाजाही नहीं हो रही थी, इसके चलते बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर इस धंसी हुई रोड पर लोग चल रहे होते या कोई वाहन चल रहा होता तो उस पर सवार युवक या युवती जो भी बैठा होता उसको गंभीर चोट आ सकती थी, घायल हो सकता था और अगर उस पर किसी ऐसे स्थान पर बड़ी चोट लगती तो उसकी मौत भी हो सकती थी। ये बनाने वालों की गलती है कि कंस्ट्रक्शन अच्छा से नहीं कर रखा है इन लोगों ने। कच्चा पूरा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है कि न तो इसमें लोहे के सरिये पड़े हुए हैं, ना RCC कंप्लीट है और साल दो साल इनको मेंटेनेंस का भी कोई मतलब नहीं है, बस आगे लिपापोती करके चले जाते हैं। ये इस नगर निगम ने बनाया है और ये जो इनकी विकास की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसका जीता जागता सबूत है आपके सामने कि इन्होंने जो नाला बनाया, ये तो किस्मत से उस समय कोई उस गाड़ी में आदमी या कोई लोग बैठे हुए नहीं थे, बच्चे या कोई बैठे नहीं थे, नहीं तो कितना बड़ा एक्सीडेंट होता। आप देखिए ये और इनके विकास की पूरी दिख रही है यहाँ पे, छत देखिए आप आधा हो गया, आधा मतलब कोई गिरना है, इतनी भयानक तरीके से कोई करे। मैं सवेरे से जब से ये वीडियो देखा हूँ, इसका वीडियो आया और मैं यहाँ आया हूँ, तब से मैं घर से निकला हूँ तब से ना रोड पे चलते हुए मुझे डर लग रहा है कहीं रोड नीचे नहीं गिर जाए। मतलब इनका विकास जो है दिख रहा सामने, आप देखिए 30 साल में इन्होंने क्या विकास किया है, है? और आज ये 4.5 साल हो गए गोविंद सिंह जी टांग महापौर साहब जो है हमें हमारे वार्ड में नहीं दिखे हैं और अब ये जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो मौके पे मौजूद भी नहीं। आप देखिए कि मौके पे मौजूद हो के जो तकलीफ लोगों को आ रही है, रोड पे चलने वालों को आ रही है, उस चीज़ को हटाए करें उसमें भी ये इन्वॉल्व नहीं है। और ये सरासर भ्रष्टाचार आपको सामने दिख रहा है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। आप देखिए छत, देखिए ये छत जो है, आप खुद माल मटेरियल देख लीजिए, ऐसे गिरता है क्या कभी? यहाँ की खुशबू, यहाँ का स्वाद, वैदेही फूड प्लाजा का नाश्ता है ही इतना लाजवाब। जब गारंटी शुद्ध मूंगफली तेल की मिलती है तो खाने की भूख और बढ़ती है, क्योंकि क्वालिटी मतलब वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल राडाजी चौराया।
राज आरएनबी रेजिमेंट एनसीसी नवानिया की ओर से आयोजित 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न होने के मौके पर एक समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान विद्यापीठ के कृषि भवन सभागार में आयोजित इस समारोह का आगाज कुलपति सारंग देवोत ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इससे पहले एनसीसी कैडेट कोर के जवानों ने कुलपति सारंग देवोत को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। राजस्थान विद्यापीठ के कृषि भवन सभागार में आयोजित इस समारोह में कैडेट्स ने पंजाबी, राजस्थानी और देशभक्ति गानों पर जमकर प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों को देखकर वहां मौजूद अतिथि मंत्रमुग्ध हो उठे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर सारंग देवोत ने युवाओं से आह्वान किया कि वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कृतज्ञता का भाव रखें, टाइम मैनेजमेंट और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। यही भाव आपको जीवन में सफल बनाएंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये कहने के साथ उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत ही सफलता की मूल कुंजी है। प्रारंभ में कैडेट मनोज ने बताया कि 10 दिवसीय शिविर में 9 जिलों से करीब 58 संस्थाओं के 440 कैडेट्स ने भाग लिया। इसमें शक्ति सिंह झाला, चंद्र प्रकाश सिंह, यशवंत सिंह का सेना की भर्ती अग्निवीर योजना में सीधा चयन हुआ है। शिविर के दौरान कैडेट्स को मैप रीडिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, फायरिंग, पशु प्रबंधन, फेरेरी, सैडलरी, मस्केटरी, ऑप्टिकल ट्रेनिंग, टेंट पिचिंग का अभ्यास कराया गया। साथ ही साथ योगा, सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। उदयपुर में यूआईटी पैराफेरी पंचायतों में पट्टों की समस्या के समाधान को लेकर जारी संघर्ष के चलते प्रशासन द्वारा 2 चरणों में कुछ आराजी पंचायतों को आवंटित तो की गई है, लेकिन अभी भी कई मामले एडीएम और एसडीएम स्तर पर पेंडिंग चल रहे हैं। इन प्रस्तावों के शीघ्र निस्तारण के लिए पैराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल से मुलाकात कर इस समस्या का शीघ्र निराकरण करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। संघर्ष समिति के संयोजक देवारी के उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा ने कलेक्टर को अब तक के संघर्ष के बारे में बताया और बताया कि पैराफेरी की कई पंचायतों द्वारा ऐसे बिलानाम आबादी और बिलानाम आराजी के प्रस्ताव तैयार करके आवंटन के लिए भेज रखे हैं, जिन पर सघन आबादी बसी हुई है। फिर भी अभी तक कुछ आराजी को छोड़कर अन्य आराजी पंचायतों के नाम नहीं की गई है, जिससे पट्टे की आस में बैठे लोगों को पंचायत पट्टे नहीं दे पा रही है। इस देरी से जनाक्रोश बढ़ रहा है और फिर बड़े जन आंदोलन का रूप लेने की समस्या भी सामने आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसको लेकर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल से बातचीत की गई। कलेक्टर ने जल्द पेंडिंग प्रस्तावों के निस्तारण की बात कही है। इस दौरान कई पैराफेरी पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे। प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम और श्रद्धा तथा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में गणेश चतुर्थी के साथ ही 11 दिवसीय गणेश महोत्सव के आगाज हो गया है। चित्तौड़गढ़ में गणेश आयोजनों के बारे में जानकारी देते हुए महंत चंद्र भारती जी महाराज ने बताया कि इस वर्ष रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी का आगमन विशेष ग्रह योग में हो रहा है और मंगलवार को गणेश चतुर्थी है। इस दिन गणपति की स्थापना करने और पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसके बारे में जानकारी देते हुए आचार्य श्रवण राम साम देवी ने बताया कि मंगलवार को शुभ मुहूर्त में प्रतिमाओं की स्थापना की गई है, जिससे सवेरे 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त है। गणपति जी के चतुर्थी के दिन जो है वो संसार में जो है उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा, और क्योंकि निराकार स्वरूप हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सब उन्हीं में लय रहते हैं, 33 कोटि देवता के वो ब्रह्मांड के मालिक हैं। और ये जो उनके दिन जो 11 दिन हैं बादों के और चतुर्थी से लेके चतुर्दशी तक, परम पिता परमेश्वर उमंग, और इस बार जो है अंगारक चतुर्थी मतलब मंगलवार के दिन बहुत बड़ा दिन माना जाता है। और पूरे इसको तो मतलब जो बॉम्बे महाराष्ट्र साइड में बहुत उच्च करके माना जाता है,
और चित्र नक्षत्र मतलब मंगल की महादशा में ही वो जो है उसका जो है कार्य हो रहा है। और ये इस बार गणपति जी जो भी साधना करेगा, जो भी उनके उनका पूजा पाठ और उनका उनका सेवा करेगा, उसके घर में लक्ष्मी साक्षात उनके घर में, और किसी चीज़ की भी कमी नहीं आएगी उनके घर में। जैसे बीमारियाँ सर्व चली जाएंगी, जो भी अपने गणपति उसमें स्थापना करेंगे उनके ऊपर अपार कृपा हो जाएगा। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। मंत्री बामनिया और आयुक्त भट्ट पर मिलीभगत कर करोड़ों के भ्रष्टाचार करने का आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता फिर बैठा धरने पर। नाकाबंदी के दौरान वाहन चालक ने पुलिस के जवान को कुचला, जवान की मौत, वाहन छोड़कर चालक मौके से हुआ फरार। और बारिश ने फिर खोली निगम के कामकाज की पोल, नाले पर बनी सीसी रोड धसी, दो कारें क्षतिग्रस्त। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को, और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।